हमारी वॉप क्लिपिंग वाली वीडियो पर आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस देखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इंडिया में रहते हुए अपने वॉप पर पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हो ताकि आप अपनी वॉप अर्निंग्स को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली मैं वॉप पे एक नया अकाउंट बना लेता हूँ, जिसके लिए आपने सिंपली अपनी ईमेल आईडी से इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपने पेमेंट मेथड में जाकर अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ऐड कर देना है। इसके अलावा सिक्योरिटी और प्राइवेसी में जाकर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। जनरल सेटिंग्स में आपने अपना यूजर नेम, बायो, बाकी इन सभी सेटिंग्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए मैं दोबारा इस पे बात कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने सिंपली बैलेंस के ऑप्शन में चले जाना है, जिसमें आपको सेटअप वॉप पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, जिसमें सबसे पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर देना है। तो ये सीधे आपको स्ट्राइप के इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब बहुत से लोगों का डाउट है कि स्ट्राइप इंडिया में काम नहीं करता, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप वॉप के थ्रू स्ट्राइप से वेरीफाई कर सकते हो। बस आपको मेरे बताए गए प्रोसेस को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है। ये वही ईमेल आईडी होनी चाहिए जिससे आपने अपना वॉप का अकाउंट बनाया था, और अगर आपके पास पहले से ही स्ट्राइप का अकाउंट बना है तो आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपने अपने फोन नंबर को ऐड कर देना है, जिसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड डालते ही ये आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। बिजनेस टाइप में आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर देना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू, जिसके बाद आपने अपना लीगल नेम और डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू अगेन। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, सिंपली आपने डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन एग्री एंड कंटिन्यू, देन क्लिक ऑन ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन आई एम रेडी, देन क्लिक ऑन एग्री एंड कंटिन्यू अगेन। अब आपने अपने फोन से इसको स्कैन कर लेना है। सिंपली आपने गूगल स्कैनर में जाकर इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन कर देना है, और ये सीधा आपको स्ट्राइप वेरिफिकेशन के पेज में लेकर चला जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशू किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई करके देख रहा हूँ। सिंपली आपने अपनी वेरिफिकेशन आईडी को कैमरे के सामने रख देना है, और ये ऑटोमेटिकली उसकी फोटो क्लिक कर लेगा, जिसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसी तरीके से यहाँ से आपने अपनी बैंक आईडी को भी सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपने स्ट्राइप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अलाउ पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी 3 फोटोस लेगा और आपकी वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगी, जिसके बाद आपने बैंक IFSC कोड और बैंक अकाउंट को ऐड कर देना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन क्लिक ऑन एग्री एंड सबमिट, जिसके बाद आपका पेमेंट अकाउंट रिव्यू के लिए चला जाएगा और आप इजिली इस मेथड से अपनी वॉप की अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हो। बाकी वॉप क्लिपिंग अर्निंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।